गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो जैसा मैंने कल क्लोज करते हुए आपको बोला था, कल मेरा लास्ट मील ऑफ द डे था अराउंड 2:30। सो अभी लगभग मेरे को 20 घंटे हो चुके हैं फास्टिंग पे। अभी मैं जाने लगा हूँ जिम। जिम जाने से पहले आज मैं लूँगा कॉफ़ी, क्योंकि 20 घंटे के फास्ट में मैं जिम जा रहा हूँ थोड़ा सा बूस्टिंग के लिए। बुलेट कॉफ़ी ले रहा हूँ, सो बुलेट कॉफ़ी लेकर के जा रहा हूँ। सो ये बनाई है मैंने ब्लैक बुलेट कॉफ़ी। सो मैंने बुलेट कॉफ़ी में डाली है एक पाउच कॉफ़ी गर्म पानी में और MCT ऑयल एक चम्मच डाल के इसको लेकर के मैं जिम जा रहा हूँ। अभी ये पीऊँगा, फिनिश करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 घंटे की फास्टिंग में हूँ तो थोड़ा सा बूस्टिंग के लिए चाहिए एनर्जी के लिए। सो जिम में जा करके एक्सरसाइजेस अभी करके फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं आपसे ऊपर ले जाओ उसको, थोड़ा एक्सरसाइज करके बॉडी एक्टिव हो जाती है। बोल फिर, मैं तो बोल रही हूँ उसको, अब ले जाओ उसको। तेरा कंधा ठीक है? कहाँ, इसे पेन हो गई है बहुत ज्यादा। क्यों, क्या जोर के एक्सरसाइज करी क्या? एक्सरसाइज तो मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी थी और कल मैं वॉक करने गई थी पार्क में, तो स्ट्रेचिंग से ही हुआ है कुछ। मतलब कि जहाँ मैं बॉडी रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी तब जा करके तेरी ये प्रॉब्लम दूर होगी। ध्यान रखो और एक्सरसाइज बंद नहीं करनी, एक बार शुरू करी ना बिल्कुल बंद नहीं करनी। दर्दें होंगी, जो दर्दें होंगी ना वो फिर धीरे धीरे जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं बैक पेन रिलीफ एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ ज्यादा। हाँ, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है स्ट्रेचिंग पहले करनी है, और जब खत्म करनी है तब भी स्ट्रेचिंग करनी है। वही तो बोल रही हूँ, स्ट्रेचिंग ही करती हूँ, बैक पेन रिलीफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती हूँ, वो करती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं योगा करती हूँ थोड़ा सा, फिर वॉक वॉक कर। तो गाइस, ये हर्षी सब्जी की तैयारी कर रही है और स्वयं कुमार जी फिर फोन पकड़ के बैठे हैं। फोन छोड़ो, फुटबॉल नहीं मिलेगी, फोन छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चलो शूज पहनो, चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो जूते पहनो, चलो। ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, लेट हो रहा हूँ मैं अभी। चलो चलो, फिर जाना भी है हमने, एक तो वहाँ जाना है बल्टाना, वहाँ पे गृह प्रवेश है। किसका है? ऑफिस में लड़का काम करता था, उसके घर का, उसने नया घर खरीदा है, उसका गृह प्रवेश है, और फिर दीदी भी आ रही है। कहाँ पर? यहाँ पे आएगी ना, जब तक हम आएंगे वापस जब तक दीदी आ जाएगी, जब तक दीदी आएगी जब तक फिर हम जिम से जा करके वापस आ जाएंगे, फिर नहा धोके फिर हमने जाना है, गाड़ी के टायर भी चेंज कराना है। अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ और अभी जस्ट मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और अभी ये जिम गए हैं तो जिम से आके फिर ये खाना खुना खा के फिर हमने बाहर मार्केट भी जाना है। मार्केट से इन्होंने किसी के घर जाना और हमें कहीं ड्रॉप कर देंगे। अभी मैं खाना बनाऊँगी, फिर मैं उसके बाद बेटी किचन में लगी हुई है उसके साथ में हेल्प करवाती हूँ। तो अभी ये जिम से आ गए हैं। यार ये बहुत तंग करता है जिम में। हाँ, ना करता ना करने देता है, कभी इधर उधर उछल कूद में जाता है, फिर ना एक्सरसाइज करता है प्रॉपरली, ना फिर मेरे को नहीं करने देता। ये स्कूल जाएगा ना फिर तब ये सेट होएगा थोड़ा, ऐसे करता है। फुटबॉल तेरी अभी नहीं, जब तू काम को फिनिश कर लेगा। तुम काम को फिनिश करा नहीं है, दो दिन रह गए तेरे स्कूल में, बस एक ही रह गया था, दो दिन रह गए हैं, दो दिन में काम नहीं फिनिश करेगा तो कैसे फुटबॉल कैसे एक्सपेक्ट करो? जब आप हमारी एक्सपेक्टेशन तो बोला था जिम जाएगा तो फुटबॉल आकर। मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने कहा काम फिनिश करेगा स्कूल का। नहीं, ये नहीं बोला था आपने बोला मैंने था साथ में ये भी बोला था कि मेरा कहना भी मानेगा, कहना तो आप मानते नहीं, फोन पकड़ के बैठे रहते हो, और जिम में मेरे को तंग करा पूरा। जिम में तो एक्सरसाइज करी, इरिटेट करता ना ये फोन। तो गाइस बताना, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं तो हमें बहुत इरिटेट करता है। देखो अभी भी पीछे से लगा हुआ है।
देखो माँ बेटे का प्यार झलकने लगा। ये प्यार क्यों नहीं है, ये पंगे वाले है या कुछ है? ओए गुर्दे में दर्द है मेरी, छोड़ छोड़। कहने दे मम्मा कैसे ना दर्द हो रही है। गाइस मैं नहा के तैयार हो गया हूं, श्रुति और अमन आ रहे हैं और श्रुति और अमन के साथ हमें जाना है गाड़ी के टायर चेंज कराने। तो गाड़ी के टायर चेंज करा करके जब हम वापस आते हैं तो वापस आ करके मुझे गृह प्रवेश है मेरे क्लीग का, सो उसके घर भी जाना है। सो गाइस देखो कौन आया, सूरी आ गई है और साथ में अमन भी। तूने टी शर्ट कौन सी पाई है? आजकल ना मेरे कपड़े पहनने का शौक चढ़ा हुआ है इसको, मेरे कपड़े पहनता है ये। और क्या खुले कपड़े पहनेगा? सो गाइस हम वापस आए हैं अभी टायर चेंज करा के और थोड़ा टाइम लग गया है, अभी 5 बजने वाले हैं, आप देख सकते हो लगभग 5 बजने वाले हैं और हम लेट हो चुके हैं पहले ही। सो अभी थोड़ा फ्रेश होकर के पानी पुनी पी करके फिर निकलते हैं। तो श्रुति भी मेरे साथ थी, अमन भी मेरे साथ था, ये अमन श्रुति अभी ये सारे बैठे हैं, ये मेरे साथ ही थे। तो अभी लेट तो हो गया लेकिन गाड़ी के टायर चेंज हो गए हैं, गाड़ी के टायर बिल्कुल नए डलवा दिए, सारे नए डलवाए, दो टायर, दो पिछले नहीं करवाए थे चेंज, दो पहले नए थे, स्टेपनी का भी चेंज करवा दिया, स्टेपनी का भी करा दिया, स्टेपनी का भी नया लिया। सो दो टायर चेंज करवाए हैं, पीछे जब लास्ट हो गया था टायर वो भी एक टायर वो भी चेंज कराया, तो टोटल में 3 टायर चेंज कराए हैं गाड़ी के। सो अभी बस जाना है गृह प्रवेश में, जा करके सिर्फ जाना है, गिफ्ट इन्होंने ले लिया है, गिफ्ट दे करके फिर वापस आ जाएंगे। फास्टिंग में मेरे को हो गए 26.5 घंटे, कल 2:30 बजे लास्ट मील हुआ था मेरा, अभी 5 बजने वाला है तो लगभग 26.5 घंटे हो गए। सो मैं कोशिश करूँगा इसको और एक्सटेंड करने की, या फिर मैं अभी कर लूँ थी। फास्ट ब्रेक कर लिया, अब हम तैयार हैं सारे जाने के लिए, बाय बाय हम फिर जा रहे हैं। इसकी चप्पल अब हम सभी तैयार हो गए हैं जाने के लिए और गृह प्रवेश में ये गिफ्ट ले लिया। सबसे पहले पहुंच गए। इतना टाइम लगा दिया आपने वहां? अरे गाड़ी जगह ही बहुत टाइट है। हेलो भाई जी, हेलो करो, हेलो तेरे भाई जी को, हेलो तेरे भाई जी को, हेलो। ये देखो गाइस हमारा रोंदू निश्चय बड़ी मुश्किल से आया हमारे पास। निश्चय चलें, आना मेरे साथ। सो गाइस हम अभी पहुंचे वापस जा करके और आज खूब एंजॉय करा बच्चों ने, वहीं पे खाना मीना खा करके। तो टाइम इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं, तो इस वीलोग को हम यहीं खत्म करते हैं। ईट हेल्दी, कीप मूविंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय, स्टे एक्टिव, बाय।